नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल एंड यू आर लिसनिंग टू अमन रावत ऑन योर पहाड़ी ब्रदर्स ऑफिशियल चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हो, आज भारत के लिए बहुत बड़ा दिन है। सब लोग जानना चाहते थे भाई नीरज चोपड़ा का मैच कब होगा, किशोर जैना भाला कब फेंकेंगे, तो वो दिन आ चुका है। डे 6 फुल स्केड्यूल, आज होने वाला है पावर पैक गेम्स, जिसको आप लोगों को सपोर्ट करना ही पड़ेगा पहाड़ी आर्मी। तो आज हम बात करने वाले हैं कौन कौन से अहम मैचेस आज खेले जाएंगे और आज का पूरा स्केड्यूल क्या रहने वाला है। तो चलते हैं सीधा स्क्रीन के ऊपर और आपको बता दें आज कितने बड़े बड़े मैचेस हैं। 6 अगस्त, पहला मैच टेबल टेनिस। टेबल टेनिस में दोस्तों आज होने वाला है इंडिया वर्सेस चाइना, 1:30 पर शुरू हो जाएगा ये मैच। भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर जीते तो ही आगे जाएंगे, बट चाइना को हराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल नजर आ रहा है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या इंडिया जीत पाएगा चाइना से? क्या आज कुछ ऐतिहासिक होगा या फिर चाइना को बीट नहीं किया जा सकता? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एथलेटिक्स की बात करें तो दोस्तों किशोर जैना ग्रुप ए में है, जिनका जो इवेंट है वो शुरू होगा 13:50 यानी कि 1:50 पर। मेंस जैवलिन थ्रो क्वालिफिकेशन ग्रुप ए, इसमें किशोर जैना ही है। अब चलते हैं रेसलिंग की तरफ। दोस्तों रेसलिंग में वन ऑफ द बिगेस्ट मैच, विनेश फोगाट एंड सुसाकी यूई। ये मैच विनेश के लिए सबसे टफ रहने वाला है, पहला ही मैच नंबर 1 सीड के साथ। तो दोस्तों यहाँ पर विनेश फोगाट से उम्मीद लगाई जा रही है कि वो अच्छा परफॉर्म करे, जापान को हराए, बट होप बहुत कम है। बट हम लोगों को होप बनानी पड़ेगी क्योंकि भारत के कुछ ही खिलाड़ी अब रह गए हैं। फिर उसके बाद एथलेटिक्स की खिलाड़ी पहल किरण, इनका 400 मीटर का रिपचार्ज राउंड है और ये हम लोग आपको दिखाएंगे ज़रूर। यहाँ पर क्वालिफिकेशन होना बहुत मुश्किल है। एथलेटिक्स की बात करें तो नीरज चोपड़ा, पूरे भारत की आन बान शान नीरज चोपड़ा, इनसे काफ़ी उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि गोल्ड लाएंगे, गोल्ड लाएंगे, गोल्ड लाएंगे। इनके कंपटीशन में बहुत तगड़े खिलाड़ी हैं, बट ये टॉप 3 में आने के पूरे पूरे हकदार हैं क्योंकि पूरे सीजन में इनका जो परफॉर्मेंस रहा है बिल्कुल कंसिस्टेंट रहा है। तो मुझे तो नीरज चोपड़ा के लिए गोल्ड प्रिडिक्ट करने में कोई भी दोराए नहीं है कि भाई ये नहीं ला सकते, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। बट हम लोग भाई प्रे कर सकते हैं और आजकल बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जिसको देखते हुए मैं अभी श्योर शॉट नहीं बोलता हूँ, बट नीरज चोपड़ा के लिए दिल से आवाज़ आ रही है कि भाई ही अब भारत के लिए पहला गोल्ड लाएंगे। अगर आपको भी लगता है नीरज चोपड़ा गोल्ड लाएंगे तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना नीरज चोपड़ा गोल्ड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वन ऑफ द बिगेस्ट मैच एंड द लास्ट मैच ऑफ टुडे, हॉकी मेन्स सेमीफिनाले। भारत का ऐतिहासिक पल होगा अगर हम सेमीफिनाले में इंडिया वर्सेज जर्मनी के मैच में जीत जाते हैं। ये मैच 10:30 पे होगा दोस्तों, अपने सारे काम वाम छोड़ छाड़ के आ जाना, कंप्लीट करके आ जाना और इस मैच को फुल सपोर्ट करना क्योंकि इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस मैच को जीतते ही भारत सिल्वर मेडल कंफर्म कर लेगा और गोल्ड मेडल की लड़ाई आई गेस नीदरलैंड या स्पेन में से किसी एक खिलाड़ी के साथ होगी या एक टीम के साथ होगी। तो आई होप कि आप लोगों को पता चल चुका होगा आज के बड़े बड़े मैचेस, ठीक है। तो बस प्लीज़ दोस्तों अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करो। हमारे साथ कल बहुत, मतलब हमारा कल का बहुत ही ख़राब दिन रहा है। स्कीट में हम लोग बाहर हो गए, इतने क्लोज क्वालिफिकेशंस हम लोग करके आए, टॉप 4 में आए, उसके बाद हम लोग फाइनल में आए तो 1 पॉइंट से रह गए। अब क्या बोल सकते हैं यार, अपनी तरफ से उन लोगों ने कोशिश की बट हार गए। फिर हमारे लक्ष्य सेन, पहला सेट इतना अच्छा जीता और सेकेंड सेट में थोड़ा सा नर्वसनेस दिखी और थर्ड सेट में तो इंजरी हो गई तो हम कुछ कह नहीं सकते। निशा दहिया ने भाई क्या फाइट लड़ी है। निशा दहिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट रेसलर्स वी हैव राइट नाउ और उन्होंने अपनी तरफ से भारत को जिताने के लिए हर एक मुमकिन कोशिश करी। 8-8 का स्कोर था भाइयों हमारा 8 का, बट एकदम से पलट दिया कोरिया ने क्योंकि हमें इंजर्ड कर दिया कोरिया ने, क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं बचा था। आप लोगों को क्या लगता है, रेसलिंग में हमारे साथ ये इंटेंशनली चीटिंग की गई या फिर ये हीट ऑफ द मोमेंट में हो गया? प्लीज़ अपना व्यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। तो चलो दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को पहाड़ी ब्रदर्स के साथ ये मैचेस देखने में मज़ा आता होगा। आप इस वीडियो को लाइक करोगे तो इस चैनल की रीच बढ़ेगी और हमारी स्पोर्ट्स कम्युनिटी बड़ी होगी। तो इतना सा योगदान ज़रूर दें और चैनल को सपोर्ट करने के लिए पहाड़ी ब्रदर्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, जय ओलंपिक्स।